अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत बड़े शौकीन हैं तो समझिए कि ये वीडियो आप ही के लिए बनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के हर कोने में, हर शहर में कुछ ना कुछ उनका मशहूर होता है हैंडीक्राफ्ट्स का, लेकिन यहाँ कुछ आपके लिए खास है। हैंडीक्राफ्ट शौकीनों को सबको पता है कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, लखनऊ, सहारनपुर किन चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं है कि देहरादून किस लिए मशहूर है। सो हमारा हैंड पेंटेड एंड हैंड क्राफ्टेड वुडन वेयर है, जिसमें सारे वुडन प्रोडक्ट्स हैं जो हैंड क्राफ्टेड हैं और हैंड पेंटेड भी हैं। ट्रेज, प्लैटर्स, होम डेकोर, लैम्प्स, लैम्प शेड्स, विच वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद लैम्प शेड्स ऑल्सो। आपने कब स्टार्ट किया था? सो हमें वुड पेकर को स्टार्ट करे 2 साल हो गए हैं और हम 2019 में स्टार्ट करा था। हाँ, आपको यहाँ का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा है, लाइक पीपल रियली अप्रिशिएट हैंडमेड प्रोडक्ट्स। बट हमारी टाइमिंग कुछ ऐसी रही कि हमने स्टार्ट करा और उसके 5-6 महीने बाद लॉकडाउन हो गया, कोविड, एंड तब से मार्केट जो है बहुत स्लो है। बट स्टिल पीपल कम, दे लव आर वर्क, अप्रिशिएट आर वर्क। हम पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं तो हम इंडिया में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। एंड हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पेज द वुड पेकर स्टोर या फिर हमारी वेबसाइट द वुड पेकर स्टोर .in से लोग ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर उन्हें अच्छा लगेगा। बाकी जो वीडियो देख रहे होंगे वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। बिल्कुल, और आपसे डायरेक्ट प्राइस और ये सब पता जी 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 तो प्राइस हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। हमने रिसेंटली लॉन्च करी है इस साल अपनी वेबसाइट द वुड पेकर स्टोर .in एंड होपफुली लोगों को कलेक्शन पसंद आएगी। हम कस्टमाइज भी बहुत करते हैं तो किसी की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर साइज रिक्वायरमेंट है तो हम वो भी करते हैं। जैसे हमने नेम प्लेट्स बहुत डिज़ाइन करी हैं लोगों के लिए। कि कोई नया घर बनवा रहा है, कोई अच्छी सी नेम प्लेट बनवाना चाहता है तो वो आपसे ऑर्डर करवा सकते हैं। बिल्कुल, तो उनके पसंद की, मतलब हम ये नहीं बोलते कि आप हमारा डिजाइन लो फिर। हाँ, हम उनसे पूछते हैं आपको क्या अच्छा लगता है, अगर उनके दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया है तो उसे आप पूरा करके देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सब हैंडीक्राफ्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये बेल्स जो है ये भी हाथ से बनी हुई है और ये वुड ब्लॉक जो है ये हम कटवाते हैं हाथ से एंड उसके ऊपर ये हैंड पेंटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हैंड क्राफ्टेड है। अभी दिवाली के लिए हम कुछ तोरन्स बना रहे हैं तो उन तोरन में भी हम जो यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, इवन जो फ्लावर्स यूज्ड हैं वो वुड शेविंग से बने हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल हैं। okay. और उसमें जो ग्रीन टच के लिए हम लीव्स यूज करते हैं वो बे लीव्स हैं। तो हम बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स कोशिश करते हैं, बिल्कुल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। तो एक इसका मकसद ये भी था कि हम एक सस्टेनेबल लिविंग भी प्रमोट करें इसके साथ, कि लोगों को ऐसा ना लगे कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सुंदर नहीं दिखती, वो बोलते हैं वो डल दिखती हैं, पर नेचुरल चीज़ें भी हाँ उतनी ही सुंदर दिख सकती हैं। प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो हैं बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं। वी हमारा प्रोडक्ट जो है राइट फ्रॉम 200 रुपीज़ स्टार्ट हो जाता है, कई कई बार तो 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाता है, गोज अप टू 2000, 3000, 5000 तक की रेंज में। आपको सारा फ्रॉम लैम्प्स टू ट्रेज, अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या साइज लेते हैं, क्या शेप लेते हैं और उसमें कितना आर्टवर्क है, क्योंकि सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है हम जितना टाइम उसको उसके ऊपर आर्ट करने में लगाते हैं वो तय करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा। हाँ अच्छा, आप ये जो पेंटिंग करती हैं इस इनका कुछ अलग स्पेसिफिक नेम है या ऐसे स्पेसिफिक नेम तो नहीं है, बट हम जैसे हम अपनी सीरीज़ के हिसाब से काम करते हैं तो कई बार हम अपनी सीरीज़ का खुद का नाम देते हैं। जैसे हम रोज़ में सीरीज़ करते हैं, हम ट्रेडिशनल आर्ट करते हैं, हम पिछवाई करते हैं, तो हमने इंडियन आर्ट भी बहुत फॉर्म्स उठाए हैं। जैसे हम मधुबनी भी करते हैं, कलमकारी भी करते हैं, सो वी ट्राई टू प्रमोट कुछ इंडियन आर्ट भी प्रमोट करते हैं। प्लस क्योंकि हम इतनी सुंदर सिटी में रहते हैं, हमारे पास इतने सुंदर माउंटेन्स हैं,
तो हमारी काफ़ी सीरीज हिमालय इंस्पायर्ड भी है, जैसे फ्लोरल है बहुत, जो फ्लावर्स हमें देहरादून में आसपास मिलते हैं, नेचर से इंस्पायर्ड बहुत है। उसके अलावा हमारे बर्ड रिलेटेड बहुत सीरीज़ हैं, और स्पेशली मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि हम स्पैरोज पे बहुत काम करते हैं, क्योंकि पहले मुझे याद है हमारे बचपन में ये इतनी ज़्यादा दिखती थी और इतनी खूबसूरत लगती थी इतनी बंच में, और अब जो है वो दिखती नहीं है। तो हमारी पूरी एक रेंज है जो स्पैरोज से रिलेटेड है, मैंने देखा है काफ़ी उसमें आपने स्पैरोज। तो हमने स्पैरोज हर चीज़ पे करे हैं, ऐसे हमने रोजेज हर चीज़ पे, हम एक सीरीज के हिसाब से काम करते हैं। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा, आई होप आपके व्यूअर्स को हमारा काम अच्छा लगेगा, एंड दे कम एंड बाय एंड सपोर्ट स्मॉल वेंचर एंड लोकल शॉप्स। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है और हर कोई अपने होम डेकोर के लिए कुछ ना कुछ नया लेना चाहता है। आपको मुझे उम्मीद है यहाँ से काफ़ी चीज़ें पसंद आई होंगी और आप यहाँ से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। अगर आपको इनके प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इनकी वेबसाइट thewoodpeckerstore.in पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देहरादून का हैंडीक्राफ्ट आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इनके प्रोडक्ट कैसे लगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आने वाले फेस्टिवल सीजन में सभी कुछ ना कुछ यहाँ से शॉपिंग कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी किसी नई जगह किसी नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।